नमस्कार, शिक्षा के ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि का जो अर्थ है वो है योग। जोड़ना तो दीर्घ संधि, दीर्घ का अर्थ है बड़ा और संधि जोड़ना। दीर्घ संधि का नियम देख लो आप। जब समान स्वर आ ई ऊ री लिरी हास्य स्वर या दीर्घ स्वर के सामने समान स्वर आए, ए ई ऊ री लिरी आए तो मिलाकर आ ई ऊ री और लिर नहीं होगा, दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे ए और आ मिला के बन जाएगा बड़ा, छोटा ए छोटा ए मिला के बन जाएगा बड़ा आ बड़ा आ मिला के बन जाएगा बड़ा आ, छोटा ई हो चाहे बड़ा ई हो चाहे छोटा ई हो मिला के बनेगा बड़ा ई। इसी प्रकार से छोटा ई बड़ा ई मिला के बनेगा बड़ा ई, ए और ई मिला के बनेगा ए, ओ छोटा ओ और छोटा ओ मिला के बनेगा बड़ा ओ, छोटी ओ चाहे बड़ी ओ इसका कोई मतलब नहीं, छोटी छोटी मिला के भी बड़ी ई बनेगी, बड़ी बड़ी ई मिला के भी बड़ी ई बनेगी। आपने तो देख लिया होगा, आप उदाहरण देख लो। हिमालय शब्द लिया हमने, हिमालय, हिमालय का जब हम संधि करेंगे तो हिम प्लस के आलय। अब हिम इसमें भी ए छुपा हुआ है, यहाँ से आ निकालेंगे एक और एक ये आ, दोनों को मिला के बन जाएगा बड़ा आ। अभी पीछे बताया था आपको छोटा हो और बड़ा हो दोनों को मिला के बड़ा बनेगा, चाहे छोटा छोटा हो दोनों को मिला के तो भी बड़ा बनेगा, चाहे बड़ा बड़ा हो उन्हें भी मिला के बड़ा बनेगा। तब हमारा ये बनना है, तब इसको उठा करके हम यही स्थापित कर देंगे, शब्द बन जाएगा हमारा हिमालय। ये दोनों को मिला करके शब्द बनगा हमारा हिमालय। दूसरा उदाहरण है राम अवतार, राम प्लस के अवतार, राम का अवतार, राम के रूप में जो प्रकट हुआ है। अब यहाँ से हम राम में से ए निकाल लेंगे, एक इसमें छुपा हुआ है और एक इसमें छुपा हुआ है, दोनों छोटे छोटे आए हैं यहाँ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हुआ ये हमने पहले बता दिया था, दोनों को मिलाकर बनेगा बड़ा या। अब इसको हम फिर यहाँ विराजमान कर देंगे तो शब्द बन जाएगा राम अवतार। देख लो इधर, आप यदि तमन्ना हो तो आपकी छोटा हो चाहे छोटा हो दोनों को मिलाकर बनेगा बड़ा ही, और ये हमारा बन गया बड़ा आ, तो शब्द बन गया हमारा राम अवतार। तीसरा विद्यालय, तीसरा उदाहरण देख लो आप, विद्या प्लस के आलय, विद्या माने ज्ञान बोध शिक्षा तालीम पढ़ना लिखना, आलय माने सदन घर भवन निकेतन। तो अब इसका संधि करेंगे तो विद्या, विद्या का तो जानते होगे बोध पढ़ना लिखना ये सब विद्या में ही आता है, तो विद्या का संधि छेद कर लेते हैं हम। आलय माने घर, हाउस जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में, तो विद्यालय। अब यहाँ आप देखेंगे दोनों में क्या निकल रहा है, बड़ा आ, और इधर भी आपका निकल रहा है बड़ा आ। आपको पहले ही बता चुके हैं चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो उससे आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है, दोनों को मिला करके बनेगा बड़ा आ, शब्द बनेगा विद्यालय। आपको तीनों उदाहरण बतने इतने सरल
तरीके से समझाए हैं। यदि आप इसको अध्ययन करने के पश्चात भी मस्तिष्क में, जहन में, तुम्हारे दिमाग में भ्रम उत्पन्न हो, तब इसको और सरल तरीके से और निवारण करके तुम्हें ऐसा समझाएंगे जो अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। अब शब्द है हिम प्लस काल्य, तो हिम को यदि तोड़ना चाहोगे आप तो ही और मैं के नीचे हलंत लगा देंगे, ही प्लस के मैं और इसके नीचे हलंत लगा देंगे तो इसकी आधी काउंटिंग होगी, इसमें से निकलेगा ए। यदि आप बोलोगे मैं, तो मैं में किस चीज़ की ध्वनि आ रही है, किस चीज़ का स्वर आ रहा है, किस चीज़ का वर्ण आ रहा है, किस चीज़ का अक्षर आ रहा है, ए का, बोल कर देखो आप मैं, तो अंतिम आ रहा है ए, तो यहाँ बन जाएगा हिम। अब इसका ये हलंत नहीं लगेगा, जब हलंत लगता है तो आदि गिनती में आता है तो हिम। अब इधर देखोगे आप आल्य, आल्य में भी इसी प्रकार से यहाँ करके दिखा देता हूँ मैं आपको, आल्य आल्य आल्यत में तो ए है ही और इधर भी ए है, तो दोनों को मिला करके आपसे पहले ही बता दिया था कि बन जाएगा आ। तो इसका हमें इतना विशेष रूप से ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें बस इसको ही तोड़ करके देख लेंगे। यदि हमारे मस्तिष्क में कुछ भ्रम उत्पन्न हो तो हिम को यदि तोड़ोगे तो हलंत लगाना पड़ेगा और इसमें से ए सवर जो निकल जाएगा तो शब्द बन जाएगा हिम। प्लस के आल्य हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे, इसकी तो हमें कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। आल्य ये आपको बताया था, अब यहाँ और बता देंगे आपको हिम हिम, इसके नीचे हलंत लगा देंगे, प्लस के ए प्लस के बड़ा आ प्लस के ल। अब इन तीनों को एक साथ जोड़ लो और इन तीनों को एक साथ जोड़ लो, अब इसमें से हलंत निकल चुका है तो यहाँ बन गया, तो शब्द बना दो हिमालय। यहाँ से आप वही वाला पिछले वाला उदाहरण पर आ जाओ, यहाँ भी छोटा है और यहाँ बड़ा है, यहाँ बन का बड़ा है और इसी प्रकार से जैसे समझा है यहाँ ले जाएंगे, यहाँ बन जाएगा स्थापित कर देंगे आ, शब्द बन का हिमालय। और अब इसकी परिभाषा देख लो, यदि और लालसा मस्तिष्क में उमड़ कर आ रही हो तो नियम इसका यह है, जब समान स्वर आ ई ऊ री ली हास्य या दीर्घ, दीर्घ माने बड़ा, के सामने समान स्वर आ जाए आ और ए, ये बड़ा है और ये छोटा है, दोनों मंत्र है, ये छोटा है ये भी छोटा है, ये भी छोटा है ये भी छोटा है, ये लिरी है ये भी लिरी है, ये लिरी है ये भी लिरी है, तो यहाँ आ और ए मिलकर क्या बनना है, बड़ा आ। इसी प्रकार से छोटे छोटे मिलकर के क्या बनाएंगे, बड़ा बड़ा ही बनाते रहेंगे, ऐसा छोटा आ और छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ही हो चाहे बड़ी हो कोई सी भी हो, इस समय भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, बनेंगे दोनों बड़ी ई, ऐसी छोटा ओ और छोटा ओ मिलाकर क्या बना रहे हैं, बड़ा ऊ, ऐसे री और री बना कर रहे हैं बड़ा री, लिरा लिरा की कोई आवश्यकता नहीं है दीर्घ में, ये इसके लिए प्रयुक्त होता है गुण संधि के लिए, और ये ए और आ मिला करके आ बनगा, इसी प्रकार से किया है और आपने उदाहरण देख लिया है। यदि आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।